आज मैं आपके लिए जिस 55 इंचेस टीवी का रिव्यू लेकर आई हूँ, हालांकि वो थोड़ा पुराना है, लेकिन उसकी पिक्चर क्वालिटी इतनी बढ़िया है कि उसकी काउंटिंग ना ही बजट कैटेगरी के टीवीज में बल्कि ब्रांडेड कैटेगरी के लोअर रेंज टीवीज में भी वन ऑफ द बेस्ट कही जाएगी। मैंने इस टीवी को बजट कैटेगरी के टॉप टीवी से साइड बाई साइड कंपेयर करके देखा है और फिर ही ये वीडियो आप तक लेकर आई हूँ। इस टीवी का डिटेल रिव्यू मैं पहली बार कर रही हूँ। आप वो ही मॉडल परचेस करिएगा जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किस हायर ब्रांड के टीवी से इसका परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा है। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करके बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मेरे वीडियो के रिलीज होते ही आपको उसकी जानकारी मिल जाए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारी मेहनत आपको पसंद आई ये जानने का हमारे पास यही एक तरीका है। तो चलिए अब ये वीडियो शुरू करते हैं। ये है मोटोरोला रेवो 55 इंचेस टीवी। ये टीवी देखने में बहुत ही स्लिम और स्मार्ट है। तीन तरफ से बेजल्स बिल्कुल ना के बराबर हैं और नीचे के बेजल में एक 50 वॉट्स के साउंड बार को इंटीग्रेट किया गया है। साउंड बार पे डुअल टोन लिनन फिनिश दी गई है, जो इस टीवी को एक प्रीमियम लुक इम्पार्ट करती है। इसके साथ आपको एक मेटालिक वन पीस टेबल टॉप स्टैंड मिलता है, जो इस टीवी के एस्थेटिक्स को इनहांस करके एक स्टाइलिश लुक देता है। ओवरऑल इस टीवी की बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है और लुक्स में भी ये एलिगेंट दिखता है। कनेक्टिविटी की बात की जाए तो मोटोरोला के इस टीवी में 3 HDMI पोर्ट्स, 2 USB पोर्ट्स, 1 इथरनेट पोर्ट, 1 ऑप्टिकल पोर्ट, RF इनपुट पोर्ट और एनालॉग इनपुट पोर्ट दी गई हैं। लेकिन इसमें आपको हेडफोन जैक नहीं मिलता है। टीवी में डुअल बैंड वाईफाई और टू वे ब्लूटूथ वर्जन 5.0 दिया गया है। साथ में है बिल्ट इन क्रोमकास्ट और गूगल असिस्टेंट। इसमें HDMI, CC और ARC दोनों ही दी गई हैं और सबसे बड़ी बात है कि इसमें आपको HDMI 2.1A कंप्लायंट पोर्ट मिल जाती है, जो बजट कैटेगरी के टीवीज में रेयर है। मोटोरोला के इस टीवी में डॉल्बी विजन, डॉल्बी एटमॉस, HDR10, HLG सभी का सपोर्ट दिया गया है। इसमें ADS पैनल के साथ डीलेट बैकलाइटिंग, स्मार्ट डिमिंग, 420 निट्स ब्राइटनेस, 60Hz रिफ्रेश रेट और 3000:1 का स्टैटिक कंट्रास्ट रेशो दिया गया है। इस टीवी में MediaTek CA53 क्वाड कोर प्रोसेसर लगाया गया है, जिसकी क्लॉकिंग स्पीड 1.5 GHz है। इस टीवी में 850 MHz माली G52 ग्राफिक इंजन लगाया गया है और साथ में है 2GB रैम और 32GB स्टोरेज। इसका ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड 10.0 है। अब बात करते हैं इस टीवी के पिक्चर क्वालिटी की। दोस्तों, एक बात आप जान लीजिए कि कोई भी कंपनी कभी अपने टीवी की सही ब्राइटनेस नहीं बताती है, सभी उसे बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। इसलिए बिना किसी टीवी को टेस्ट किए या उसे दूसरे टीवी से कंपेयर किए हुए उसकी सही ब्राइटनेस नहीं बताई जा सकती है। कॉस्ट इफेक्टिव टीवीज, चाहे वो हायर ब्रांड्स के ही क्यों ना हो, उनके बेस्ट टीवीज की भी हाईएस्ट ब्राइटनेस 400 निट से कम ही होती है। कुछ लोग चीप लक्स मीटर से टीवी की ब्राइटनेस को मेजर करके आपको दिखा रहे हैं, वो सही रीडिंग बिल्कुल नहीं देता है। टीवी की ब्राइटनेस को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट 3 लाख से भी ऊपर में आता है। मैं बहुत सालों से टीवीज रिव्यू कर रही हूँ, इसलिए मुझे उनकी ब्राइटनेस का अंदाजा हो जाता है, लेकिन वो वैल्यू अप्रोक्सीमेट होती है, एब्सोल्यूट नहीं। मोटोरोला के इस टीवी की क्लेम्ड ब्राइटनेस ऑलमोस्ट सही है, जो इसे बजट कैटेगरी का ब्राइटेस्ट टीवी बनाती है। आपको इस टीवी में बहुत शार्प इमेजेस देखने को मिलती हैं, पिक्चर में एक शाइनी ग्लो देखने को मिलता है, जो लो ब्राइटनेस वाले टीवीज में नहीं मिलता है। इसमें लगा ADS पैनल IPS पैनल के बहुत करीब होता है, जिसकी वजह से इस टीवी का व्यूइंग एंगल अच्छा है। ADS पैनल में IPS पैनल के मुकाबले ज्यादा कंट्रास्ट रेशो हासिल किया जा सकता है, जिससे इस टीवी का कंट्रास्ट रेशो डिसेंट है। मोटोरोला के इस टीवी का कलर रिप्रोडक्शन बहुत कुछ VA पैनल जैसा ही है। इस टीवी के व्हाइट कलर गैमेट के चलते इसके कलर्स बहुत ही बढ़िया हैं। इसमें आपको ब्राइट और पंची कलर्स देखने को मिल जाते हैं। इस टीवी में IPS पैनल वाले टीवीज के मुकाबले ज्यादा डीप ब्लैक्स भी देखने को मिल जाते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इस टीवी में किनारों पे कोई लाइट पीप करती नहीं दिखती है। इस टीवी में डर्टी स्क्रीन इफेक्ट भी नेग्लिजिबल है। जैसा कि आप देख सकते हैं, टीवी के एजेस पे भी कोई डार्क पैचेस नहीं दिखते हैं, जिससे इस टीवी की पिक्चर क्वालिटी हाई ब्रांड टीवीज की ही तरह बहुत क्लीन लुक इम्पार्ट करती है। इस टीवी का SDR परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है,
पिक्चर रियलिस्टिक लगती है और कलर्स में एक्यूरेसी मिलती है। डार्क सीन्स की डिटेल्स को भी ये टीवी बहुत क्लैरिटी से डिस्प्ले करता है। HDR परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इस टीवी में भी दूसरे बेस्ट लोअर रेंज टीवीज की ही तरह HDR से बहुत अलग HDR परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलता है, लेकिन इस टीवी का HDR परफॉर्मेंस दूसरे बजट टीवी से बेटर है। लेकिन फिर भी हाइलाइट्स की डिटेल्स उतनी विजिबल नहीं हो पाती हैं जितना उन टीवीज में होती हैं जो 1000 nits से ज्यादा ब्राइटनेस के साथ आते हैं। इस टीवी का डॉल्बी विजन परफॉर्मेंस अच्छा है, लेकिन HDR 10 परफॉर्मेंस की ही तरह वो भी उतना बढ़िया नहीं है जितना आपको हाई ब्राइटनेस वाले टीवीज में देखने को मिलेगा। इस टीवी का डिजिटल नॉइज रिडक्शन फीचर अच्छे से काम करता है और जब आप USB के थ्रू मूवीज देखते हैं तो भी आपको इस टीवी में अच्छी पिक्चर अपस्केलिंग मिल जाती है। SD बॉक्स का परफॉर्मेंस भी इस 4K टीवी पे अच्छा लगता है। जो लोग SD चैनल्स देखते हैं उनके लिए भी ये टीवी अप्रोप्रिएट है। डिम लाइट्स और मीडियम लाइट्स में भी ये टीवी बढ़िया परफॉर्मेंस देता है। ADS पैनल होने की वजह से आपको इसमें VA पैनल और IPS पैनल का अच्छा फ्यूजन देखने को मिल जाता है। मोशन ब्लर की बात की जाए तो दूसरे 60Hz के टीवीज की ही तरह इसके फास्ट एक्शन सीन्स में मोशन ब्लर दिखता है, लेकिन नॉर्मली मोशन ब्लर इरिटेट बिल्कुल भी नहीं करता है। अगर हम इस टीवी को सैमसंग क्रिस्टल प्रो से कंपेयर करें तो ज्यादा ब्राइटनेस और बेटर व्यूइंग एंगल्स के चलते ये टीवी इजिली सैमसंग से आगे निकल जाता है। अब बात करते हैं इसकी ऑडियो की। तो मोटोरोला का ये टीवी एक डेडिकेटेड एम्फी साउंड एक्स प्रो साउंड बार के साथ आता है, जिसमें 4 unit सेटअप दिया गया है। 24 वॉट्स आउटपुट के 2 speakers के साथ इसमें 2 26 watts आउटपुट के ऑक्टेव ट्वीटर्स भी दिए गए हैं। इस टीवी में 360° सराउंड साउंड इफेक्ट के साथ डॉल्बी एटमॉस भी दिया गया है। इसके अलावा ये टीवी डॉल्बी ऑडियो और DTS स्टूडियो साउंड के साथ आता है। इस टीवी की ऑडियो भी काफी अच्छी है, जिसमें आपको टीवी के हिसाब से डिसेंट हाई मिड और लोस मिल जाते हैं। वोकल्स क्लियर हैं, डायलॉग्स में क्लैरिटी मिलती है। इस टीवी का बेस भी अच्छा है, लेकिन अगर आप सोचें कि बेस को फुल पे रखकर बेस बढ़ा लिया जाए तो ये आइडिया काम नहीं आएगा, क्योंकि ऐसे फेक बेस इफेक्ट मिलने लगता है जो वोकल क्लैरिटी को इफेक्ट करके इरिटेट करता है। ये याद रखिए कि किसी भी टीवी में आपको बूमिंग बेस इफेक्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके लिए थोड़ा बड़ा बॉक्स होना जरूरी होता है जिससे उसमें बड़ा कॉइल और मैग्नेट लगाया जा सके। स्लिम डिजाइन फैक्टर में आपको कभी भी वो बूमिंग इफेक्ट नहीं मिल सकता जो कोई साउंड बार दे सकता है। तो टीवी के साउंड बार से ऐसी उम्मीद रखना छोड़ दीजिए। अगर आप इस टीवी के ऑडियो से एक होम थिएटर जैसे बेस की एक्सपेक्टेशंस नहीं करेंगे तो ये टीवी वन ऑफ द बेस्ट साउंडिंग टीवीज की कैटेगरी में ही आएगा। डॉल्बी एटमॉस इसमें दिया गया है, लेकिन उसका रियल इफेक्ट इस टीवी पे भी देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जब आप इसे किसी डॉल्बी एटमॉस साउंड बार से कनेक्ट करेंगे तो आपको ऑर्डिनरी टीवी के मुकाबले बेटर ऑडियो क्वालिटी मिल जाएगी।
maybe even Morris's widow. You suspect she had something to do with the murder? I just wonder if Greg's infatuation with her was only one-sided. ये एक एंड्रॉयड स्मार्ट टीवी है जिसमें आपको अच्छे ब्राउजिंग एक्सपीरियंस के साथ लगभग सारे ही फेवरेट एप्लीकेशंस चलाने का ऑप्शन मिल जाता है। इसमें आपको गूगल प्ले स्टोर दिया गया है, टीवी की यूआई स्मूथ है और गूगल असिस्टेंट आपके वॉइस कमांड्स को प्रॉम्प्टली फॉलो करता है। कास्टिंग भी इस टीवी पे स्मूथ होती है। ब्लूटूथ के थ्रू आप इस टीवी से अपना गेमिंग पैड, कीबोर्ड, माउस सभी कनेक्ट कर सकते हैं। गेमिंग के लिए भी ये टीवी लोअर रेंज के टीवीज में एक बढ़िया ऑप्शन है। इसमें आपको लो इनपुट लैग और फास्ट रिस्पांस टाइम मिलता है, साथ ही साथ इसमें बढ़िया ग्राफिक्स भी मिल जाते हैं। HDMI 2.1 पोर्ट इस टीवी को PS5 से फुली कंपैटिबल तो बनाती है, लेकिन क्योंकि इसका रिफ्रेश रेट केवल 60Hz ही है, इसलिए आप PS5 जो 120Hz के साथ वेरिएबल रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है उसका फुल एक्सपीरियंस इस पे नहीं ले पाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक बजट कैटेगरी का कोई भी 55 इंचेस टीवी हाई रिफ्रेश रेट के साथ नहीं आता है। तो दोस्तों, एंड में मैं यही कहूंगी कि ये टीवी बजट कैटेगरी का एक एक्सेलेंट टीवी है जिसकी पिक्चर क्वालिटी, ऑडियो, व्यूइंग एंगल्स और सभी फ्लॉलेस है। इसकी पिक्चर क्वालिटी हायर ब्रांड्स के लोअर रेंज टीवी से कहीं ज्यादा अच्छी है। आप इसे बेफिक्र होकर ले सकते हैं। आफ्टर सेल सर्विसेज की बात की जाए तो क्योंकि ये फ्लिपकार्ट का ही टीवी है, इसलिए सर्विसेज जीव्स के पास है, जो उतनी बढ़िया तो नहीं है लेकिन फिर भी काम हो ही जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।